अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको फ्रंट स्लिट गाउन बताने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले कपड़ा लिया हुआ है। हमने यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब इसे अच्छे से हम देख लेंगे हमें किस तरफ का लाइनिंग रखना है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। ये हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है, इसको मैंने एक बार चौड़ाई में फोल्ड करके पहले से ही रखा है। ये देखिए, ये चौड़ाई में। अब इसको हम पूरा कपड़ा पहले खोल देंगे और इसको एक बार चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड कर लिया है। हमें जितना घेर लेना है हमें उतना ही इसे फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पे देखिए इतना घेर लिया है, इसलिए इसको इतना फोल्ड किया है। आपको जितना घेर रखना हो आप उतना रखें। ये देखिए, हमारा घेर है चौड़ाई में। हमने इसको 40 इंच लिया है। लंबाई हमें जितना लेना है आप उतना ले लीजिए। मैंने स्क्रीन पे साइज डाल रखी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमने लंबाई ले लिया, ये चौड़ाई और ये लंबाई है हमारी। अब इसे हम चौड़ाई से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा दिया है। अब इसे एक बार और कपड़े को हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें एक बार और चौड़ाई में फोल्ड करना है। कपड़े को अच्छे से बराबर रखना है। ये देखिए, कपड़े को बराबर अच्छे से रखेंगे, फिर अपने साइड करके थोड़ा सा इसे सीधा करेंगे। अब इसमें हम निशान लगाएंगे, जो भी हमारा गला कंधा मुड्ढा है वो सारे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई हम सबसे पहले ले रहे हैं, जो कि हमने 2.5 इंच रखी है। ये देखिए, 2.5 इंच। अब हम कंधा लेंगे। कंधा यहाँ पे हमने 7+1 इंच रखा है। 8 इंच का हमने कंधा रखा है। 6 इंच का या 6.5 इंच का मुड्ढा रखेंगे। यहाँ पे मैं 6.5 इंच रख रही हूँ मुड्ढा। चेस्ट हमारा यहाँ पे मैंने 10 इंच का लिया है। आपका जितना जिसके साइज़ का बनाओ आप उसके साइज़ का लगा दो। मैंने यहाँ पे 10 इंच का लगाया है। अब यहीं से हम 5 इंच का पॉइंट रखेंगे। ये देखिए, 5 इंच का पॉइंट है यहाँ पे। अब 5 इंच के पॉइंट के पास हम 1/2 इंच चेस्ट से कम रखेंगे, यानी कि 9.5। चेस्ट हमारा 10 था, ये 9 है, 10 और 9। अब हम कमर का निशान लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से 18 इंच का चौक लेंगे। ये हमने 18 इंच का चौक रखा। अब जितना हमने चेस्ट लिया है उतना ही कमर लेंगे, यानी कि 10 इंच। अब इसको शेप देंगे तिरछा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें शेप देना है। अब इसे हमें घेर में मिलाना है। मैं यहाँ पे चौक से निशान लगा रही हूँ हाथ से ही। आप इंची टेप की मदद से भी ये शेप दे सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगाना है और इस निशान को हमें कट करना है। तो कट करने से पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए, हमारा कंधा 1/2 इंच गले की साइड ऊपर रहेगा और कंधे की साइड में हमारा 1/2 इंच नीचे की साइड रहेगा। ये देखिए, हमने 1/2 इंच का शेप लिया है कंधे पर। अब हम मुड्ढे का शेप देंगे। 1 इंच का हमने मुड्ढे में निशान लगाया है और इसे गोल का शेप देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गले की चौड़ाई पे कट का निशान मारेंगे। अब सारे निशान हम कट करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे कट करना है। घेर के पास से हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा करके। ये देखिए, इस तरीके से घेर हमें रखनी है और ये पूरा कपड़ा काट के हटा देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरा कपड़ा काट के हटाना है।
अब इसमें हम गले की लंबाई लगाएंगे। पहले हम कपड़ा बराबर करेंगे, जो भी हमारा कपड़ा है इधर उधर से रुका हुआ है या बचा हुआ है एक्स्ट्रा निकला उसे। अब हम गले की लंबाई लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पे 1 इंच के गले की लंबाई लगाएंगे, आगे और पीछे दोनों ही हम 1 इंच कट करेंगे। ये देखिए 1 इंच का निशान लगाया और इसे आधे इंच शेप दे के गोल किया। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब एक हिस्सा जो होगा हमारा वो हम हटा देंगे, पीछे का हिस्सा हमने हटा दिया है, आगे के हिस्से में हमें गला थोड़ा बड़ा रखना है। तो यहाँ पे हम आपको आगे का गला लगा के दिखाएंगे। हमने आगे गला 2 इंच का लिया है और इसमें आधे इंच का शेप देके इसे भी गोल किया है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें आगे से इसे ओपन रखना है, तो पहले हम गला कट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें गला कट करना है पूरा। अब आगे से हमें खोलना है, तो हम इसे पूरा आगे से कट करेंगे। ये देखिए ये पूरा आगे से अच्छे से रख लेना है सीधे से, जिधर हमारा गला था हम उधर से ही कट करेंगे। ये देखिए अब हम आगे से पूरा काट रहे हैं। देखिए हमारा आगे से कटिंग हो रही है। ये हमारा फ्रंट स्लिट गाउन कट गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें और पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।